तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो सब? तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ काफ़ी हद तक। आज ना एक न्यूज़ आई थी पेट्रोल के वाले से, बल्कि कल आई थी। तो आपने कल देखा था, समरी आई थी 6 रुपये 7 रुपये, और इसी मंथ में, पिछले मंथ, लास्ट मंथ में 6-7 रुपये और पेट्रोल की कीमत भरी थी। तो अब फिर उन्होंने समरी दिया कि पेट्रोल महंगा करना है। तो हम देखते हैं उस समरी को, उस समरी में क्या है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये 7 पैसे और डीजल की कीमत में 19 रुपये 61 पैसे फी लीटर इजाफे की सिफारिश। हतमी फैसला आज होगा। तो ये थी उनकी डील जिसमें उन्होंने बताया कि हम इतनी महंगी करना चाह रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे हिम्मत है प्राइम मिनिस्टर की, क्या उसने कहा कि नहीं यार, आपने भी लास्ट मंथ में ही प्राइजेस की हाइक की है तो अभी रहने दो। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि उन्होंने समरी पास नहीं की, बल्कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो इसे इस पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या पड़ना था कि हमारी एक्सपोर्ट जो चीज़ें होती हैं सारी महंगी हो जानी थी। क्यों? जितनी भी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं सारी, आपको पता है, पेट्रोल लग के गाड़ियों में आती है। गाड़ी कोई मतलब पानी से तो चलती नहीं ना, पानी से नहीं चलती, तो चलती है पेट्रोल से। पेट्रोल महंगा होगा तो किराया ज़्यादा बढ़ जाएगा, इतना तो आप लोगों को भी पता होगा, नॉलेज की बात है। तो फिर और जो चीज़ें डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई के वक्त जो चीज़ महंगी होनी थी तो वो और महंगी हो जानी थी। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा एक हद तक फैसला लिया कि ना, हमने ये महंगा नहीं, इस दफ़ा नहीं करना। अब देखो अगली दफ़ा फिर वो समरी पेश कर देंगे, वो फिर महंगा हो जाएगा। इस तरह ये 10 रुपये देते हैं, 5 रुपये 6 रुपये का महंगा हो जाता है, फिर अगली दफ़ा समरी देंगे 20 रुपये की, 7 रुपये 6 रुपये महंगा हो जाएगा। ये समरी ज़्यादा ही देते हैं ताकि हाफ प्राइस पे कम से कम वापस दिया जाए। तो दिल से शुक्रिया तो नहीं कह सकते। तो ये आपको दूसरा क्लिप दिखा देते हैं। अवाम महंगाई के बड़े झटके से बच गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। ओगरा ने 6 से 7 रुपए तक इजाफे की तजवीज दी थी। समा से बातचीत करते हुए शहबाज गिल ने कहा कि 1 माह में दूसरी बार रिलीफ दिया गया। दुआ करें कि आगे आगे पेट्रोलियम की मसनूआत या तो स्टेबल रहें या नीचे जाएं, क्योंकि अगर हर दफा पेट्रोलियम की मसनूआत बढ़ेंगी तो इवेंचुअली हमारे मुल्क में भी शायद इनका इजाफा होगा। ये अब मैं नहीं जानता ये कौन सा दूसरा रिलीफ था। खैर कोई ना कोई होगा, पता नहीं, वो अपनी सियासत चलाई जाते हैं। खैर बहरहाल खुशखबरी है आपके लिए कि पेट्रोल महंगा नहीं हुआ। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर पेट्रोल महंगा हो जाए तो मैं यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर पेट्रोल महंगा हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। यहाँ से हमें सीधी एक इंग्लैंड की एग्जांपल लेनी चाहिए कि उन्होंने ना एक दफ़ा इसी तरह किया था कि उन्होंने ब्रेड महंगी कर दी थी एक बेकरी वाले ने। बेकरी वाले की 14 यूरो की आई थिंक मैं कह रहा हूँ, 7 के शायद थोड़ी बहुत कमी पेशी हो सकती है। खैर उसने की थी, 12 रुपये की ब्रेड थी, मतलब पाकिस्तान हिसाब से अगर आपको समझाऊं 12 रुपए की ब्रेड थी, उसने 13 रुपए की कर दी, क्या सिर्फ 1 रुपया। और यहाँ पे उतने कहने से कोई बात नहीं, 1 रुपया दे दो, 1 रुपए से क्या जाता है। खैर उसने 13 रुपए की कर दी और नेक्स्ट डे किसी ने नहीं ली, 13 रुपए की हुई, नेक्स्ट डे किसी ने नहीं ली। क्यों नहीं ली? महंगी की है। हालांकि 1 रुपए में मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या है कि 1 रुपया भी बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। और काफ़ी हद तक ना वो कौम का आपस में इस तरह एका था, और हमारी कौम कहती है जा तू बाहर में जा, मैं ठीक हूँ, मैं खा सकता हूँ, तू निकल। तो उन्होंने 3 दिन ब्रेड नहीं ली, जिसकी वजह से ब्रेड ख़राब हो गई। 4th डे में उन्होंने 12th की जगह 13 किए थे, लेकिन ना 12th में दी ना 13 में दी, उन्होंने 11 में दी। तो ये होता है कौम का एका। तो जब तक आप कौम खुद नहीं जुड़ेंगे आपस में, ये हुक्मरान ऐसे ही चीज़ें महंगी करते जाएंगे। खैर
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस दिन के लिए अल्लाह हाफिज़।